I bought the best smartwatch under 2000 on Flipkart sale. Hey everyone, hope you are doing well. My name is Arshad. Welcome back to my YouTube channel. तो यार जैसे कि पता है आजकल डेली कोई ना कोई सेल आ रही है Flipkart पे, तो मैंने एक स्मार्टवॉच बाय करी है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बढ़िया पैकेज के साथ आती है। यहाँ पे आप लोगों को सारे फीचर्स तो मिलते हैं जो हेड ट्रैकर्स कॉलिंग होते हैं, उसके अलावा डिजाइनिंग में काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। इस स्मार्ट वॉच का नाम है पेबल कार्बन। यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया सी डिस्प्ले, बढ़िया डिजाइनिंग और साथ ही साथ अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आज इसी को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कैसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। अब तक मैं इसको वैसे यूज़ कर रहा हूँ, बट एक बार आप लोगों के सामने अनबॉक्स भी कर देता हूँ। अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी अभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ऊपर ही आप लोगों को वॉच की प्रिंटिंग और ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बैक साइड में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड, एक मिलता है वारंटी कार्ड, एक चार्जिंग केबल मिल जाना है, एंड ये रही यार स्मार्ट वॉच जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है और ब्लैक कलर में, तो यार क्या ही कहने। इसके अलावा यहाँ पे बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो यार वही आप लोगों को सर्कुलर डायल में स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। ऊपर जो आप लोग वाइट सर्कल देख रहे हो ये ओवरऑल लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। बाकी मेटेलिक फ्रेम दिया गया है, एक वर्किंग क्रॉन मिल जाता है और एक मिलता है बटन फॉर स्पोर्ट्स मोड। बैक साइड में यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी देखने को मिल जाती है। 22mm का यहाँ पे आप लोगों को एप्पल वाला मेटेलिक स्ट्रैप देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी और ये काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है इस स्मार्ट वॉच में। तो यार 2000 रुपये में मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम किया है यहाँ पे बिल्ड एंड डिज़ाइन में। बात की जाए इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के बारे में तो यार 1.39 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। पिक्सल रिजोल्यूशन भी काफ़ी सही है, यहाँ पे पिक्सल रेट नहीं होती है बिल्कुल भी। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर आप लोग कोई इशू फेस नहीं करोगे, इनफैक्ट मैंने बाहर जाके भी इससे काफ़ी एक्टिविटी करी तो कोई दिक्कत अभी तक फेस नहीं करी है। बाकी कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो एज यूजल, जो भी आप लोग पेबल की स्मार्ट वॉचेस लेते हो उसमें लगा ही सकते हो, इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अदर फीचर्स की बात की जाए तो यार इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को अगेन ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हेल्थ ट्रैकर्स में आप लोगों को ब्रीथ मोड, हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग जैसे तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे काफी यूजफुल फीचर मिलता है जो कि कैलकुलेटर का। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में IP67 की रेटिंग दी गई है, हल्की फुल्की बारिश में यूज कर लोगे। 7 डेज का बैटरी बैकअप है, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 1 से 2 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है अराउंड 60K और काफ़ी सही वर्क भी कर रहे हैं अभी तक तो। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में आप लोग अलार्म वगैरह लगा सकते हो हमेशा की तरह, साथ ही साथ म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल और वेदर फोरकास्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो एक अच्छी फीचर वाली स्मार्ट वॉच कहूँगा मैं इसको, मुझे पर्सनली इसका बिल्ड एंड डिज़ाइन ही ज़्यादा पसंद आया है। एक्यूरेसी की बात करूँ तो यार इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैंने इसका हार्ट रेट टेस्ट किया और कंपेयर किया अपने ऑक्सीमीटर से। एट दी एंड रिजल्ट देख सकते हो बहुत ही सिमिलर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैंने कई बार इसको चेकआउट भी कर लिया। साथ ही साथ हवा में ये स्मार्ट वॉच कोई भी रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती है, पहले पॉपअप बना आ जाता है। स्टिल मैं यही कहूँगा कोई सी भी स्मार्ट वॉच हो आप लोग ज़्यादा रिलाई मत रहा करो, सीरियस सिचुएशन में मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज़ किया करो। बात की जाए यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी की तो चलते हैं अभी फटाफट इसकी कॉलिंग क्वालिटी को करते हैं टेस्ट। हेलो, हाँ भाई आवाज़ आ रही है? अरे बहुत से कॉल कर रहा था यार, सही आ रही है आवाज? आवाज तो कड़क है एकदम। बैकग्राउंड से तो नहीं आ रही कोई आवाज? नहीं तो अभी शोर हो रहा है मेरे आसपास, तो वो सब तो नहीं आ रही आवाज? नहीं भाई बिल्कुल क्लियर है। चल ठीक है, होप करता हूँ यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी का आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोगों को पेबल कार्बन की कॉलिंग क्वालिटी कैसी लगी है। कंक्लूजन पे आते हैं और बात करते हैं कि आप लोगों को पेबल कार्बन स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो यार 2000 रुपये में मेरे हिसाब से वर्थ वाइंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी ऐसी देखने को मिलेगी ना कि लोग आपसे पूछेंगे हाथ में पहनने के बाद कि भाई कौन सी स्मार्ट वॉच पहन रखी है और कितने की ली है, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। बस हाँ यही कहूँगा मैं कि यार ऐसी स्मार्ट वॉचेज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जो नॉर्मल डिज़ाइन वाली स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं वो तो डेली लॉन्च हो ही रही है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंट काम किया है पेबल वालों ने, तो उसके लिए बिग थम्स अप है। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ आप लोगों के सामने इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ। अगर आप लोग इस स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, अब करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।